अस्सलाम वालेकुम, होपफुली सब ठीक है, खुश है, मज़े में हैं। तो हम जा रहे हैं वाबडा कॉलोनी, कज़न से मिलने जाएंगे, उनका बेटा हुआ है तो मुबारकी के लिए जा रहे हैं। और सुबह सुबह निकल गए, बच्चों को भेज दिया है स्कूल, और मैं और मिम्मी और देवरानी जा रहे हैं। तो पूरा शेयर करूँगी, आप जाके ना जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बेल आइकन दोबारा बिल्कुल ना भूले, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बस पहुंचते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ। रहे थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे थे, तो यहाँ पे मिमी को ना सुबह सुबह उठा के मैंने नहलाया है, और इसको ना कपड़े शपड़े पहना के ना अपने साथ ना निकाल लिया है। नाश्ता भी इसने नहीं किया था, बस सिर्फ नहला पहला के ना मैंने अपने साथ ना इसको रवाना किया है। तो ये देखे, यहाँ इस गाड़ी में हम जा रहे थे, प्लेन कोच ही जाती है तो उसी से हम जा रहे थे, और बस नज़दीक ही है, आधे घंटे में हम पहुँच जाएँगे वाबडा टाउन। तो बस यहाँ से हम जा रहे थे, लेकिन काफ़ी ख्वारी हुई, क्योंकि ये बंदा ना लोगों को पकड़ पकड़ के ला रहा था, गाड़ी में बिठा रहा था। यहाँ पे हम आए हुए हैं वाबडा टाउन, ये देखिए, और यहाँ से इंटर करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, हम इंटर हो रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये और मिमी वापस जा रही है, खफा हो गई है, चची ने डांटा है मिमी को डांटा है, मिमी वापस जा रही है, मिमी ना गंदी संदी वापस जा रही है। और ये बच्चे के उससे पूछो कि जी कौन सा है। और ये देखे मिमो घोड़ा 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 घोड़ा। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं वापस, मुबारकी हो गई है, वापस जाएंगे। एक डेढ़ घंटा हम यहाँ घूमे फिर कहीं जाके ना घर मिला है। पहले मैं आई हूँ, लेकिन गाड़ी में आई थी तो मुझे ना रास्ता नहीं मिल रहा था, फिर लास्ट में मिल ही गया घर, और अब हम वापस जा रहे हैं। तो ये देखिए, इतना अच्छा इन्होंने बाहर गार्डन बनाया हुआ है इस घर का, इतना मज़े का गार्डन है ये। और ये देखें, इतने अच्छे फ्लावर भी हैं, अंकल आए हैं। और ये देखे, हर जगह ना इन्होंने आग लगाई हुई है, पता नहीं क्यों सारा धुआं धुआं हो रहा है, इन्होंने ना यहाँ पे आग लगाई है। और ये है पूरा वाबडा, यहाँ भी आग लगाई है, और ये पूरा वाबडा है, ये देखिए छिंची आ गई। तक जाती थी और मिमी को गोद से उतारती थी, तो ये इस तरह से ना वापस जाना शुरू कर देती। अभी भी इसको कोई वो नहीं है, गाड़ियाँ आ रही है जा रही हैं, और ये उतर के ना बस पागलों की तरह इधर उधर घूम रही होती कि मुझे गोद में लो, गोद में लो। और इतना बड़ा है ना वाबडा के, हम जो है ना इसको गोद में लेके मैं तक गई थी। अब हम कोई गाड़ी ढूंढ रहे थे कि हमें मिले और हम ना बाहर रोड तक चले जाएं, क्योंकि बच्चों के साथ इतना पैदल जाना ना काफ़ी मुश्किल था। मेरी देवरानी भी बेटे को गोद में लेके जा रही थी, मैं इसको गोद में लेके जा रही थी, तो इस टाइम ना हम बैठ गए हैं सुजुकी में, और ये मिमी हाय कर दो मिमी, हाँ, तो सुजुकी में बैठ गए। और यहाँ इतना अच्छा आपको व्यू अब नज़र आएगा, ये देखें, तो ये अच्छा है कि हमें सुजुकी मिल गई, सुजुकी मिल गई, और हम ना मज़े से ना जा सकते हैं अब। तो ये वापस पीछे छूट रहा है, ये देखिए। इस टाइम मैं बैठी हूँ चिंची में, और इतने अच्छे अच्छे ट्रांसपोर्ट में आज बैठी हूँ ना, अपनी गाड़ी के अलावा भी इस तरह के सफ़र बंदे को करने चाहिए, काफ़ी मज़ा आता है। तो मैं पीछे बैठी हुई थी, इतना अच्छा व्यू नज़र आ रहा था और सब कुछ छूट रहा था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पर, और फुल इन्जॉयमेंट हो रही थी, फुल मैं और मिमी इन्जॉय कर रहे थे यहाँ पर। ये देखे, सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था। फिर हम पहुंचे, मतलब इस आदमी को ना इस टाइम सीएनजी भी इसने भरवाई है, अब टायरों में हवा भी ये भर रहा है, इतने पैसेंजर बैठे हुए हैं, छः पैसेंजर इसके पास बैठे हुए हैं, और ये पहले सीएनजी डलवाई है, अब टायरों में हवा भरी जा रही है, सारे काम ना इसको अभी याद आ गए। और हमें पहुँचना जल्दी से घर था, ताकि ना बच्चों के पास पहुँचे, क्योंकि बच्चे उन्हें 12 बजे आ जाना था घर। तो बस यहाँ पर हम BRT पर आ गए थे, मतलब वहाँ से उतर के, क्योंकि आपको क्रॉस जो है BRT से ही करना होता है, तो BRT से ना जाके ना हमने क्रॉस करना होता है। और यहाँ मिमी मेरी गोदी में नहीं आ रही थी, क्योंकि इसको ना यहाँ पे चलना अच्छा लग रहा था, ये देखे। और यहाँ से व्यू इतना अच्छा आ रहा था, ये देखे व्यू, गाड़ियाँ इतनी प्यारी लग रही थी, इतना मज़ा यहाँ पर आ रहा था हमें, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो बस तो ये मिमो
और ये डॉल्स, इतने ज़्यादा डॉल्स पड़े हैं। देखो ये देखो महारानियाँ, ये महारानियाँ, ये देखो महारानियों की पोच। तो यहाँ पे हम खाएंगे खाना, घर पे ना आई हूँ तो बच्चे आ चुके थे, क्योंकि चाबी ना हमने पड़ोस में दी हुई थी तो बच्चे आ चुके थे। रात वाली दाल खाएंगे और इंजॉय करेंगे। नहीं सही है, चाट मसाला डाला है ना, फ्लैश लाइट, कोई बात नहीं। तो इसने व्लॉग लगाना है, फिर हम देखेंगे और साथ में खाना भी खाएंगे। अब आज कपड़े पहन रहा है और ये रही मम्मी, मम्मी ने पूछा इंजॉय नहीं कर रही। तो खाना खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। ये है उसका नेक्स्ट डे। मैंने कल कोई काम किया नहीं था, फिर मैं सो भी गई थी और ये नेक्स्ट डे मैं उठी हूँ तो घर की हालत ज़रा देखें आप सब। ये घर पड़ा हुआ है, मैं कह तू कहाँ से मैं शुरू करूँ काम। ये देखिए ये घर पड़ा हुआ है, ये सारा घर पड़ा हुआ है। ये देखिए ये एक तो घर इतना गंदा पड़ा हुआ है, ऊपर से किचन देख लें आप, ये किचन पड़ा हुआ है। मैं कहती हूँ ना मरी जाऊँ मैं कहीं, इतना काम पड़ा हुआ है, इतना काम पड़ा हुआ है। और नींद मुझे हद से ज़्यादा आ रही है, बच्चों के लिए भी बच्चे आने वाले हैं तो उनके लिए भी कुछ करना है, खाना वाना पकाना है, घर साफ करना है, फिर ना ब्लॉग अपलोड करना, एडिट करना, उनके लिए खाना बनाना, ये सारा साफ करना ना बहुत ही लंबा प्रोसीजर है और मुझे नींद आ रही है। तो बस करते हैं स्टार्ट, टाइम वेस्ट किए बगैर टाइम वेस्ट हो रहा है। और ये प्रेसिंग पड़ी भी है, कल मैं वापडा चली गई थी तो ये रह गई है, तो देखती हूँ टाइम मिलता है तो इसको भी मैं कर लेती हूँ। और बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है काम करने को, हद से ज़्यादा नींद आ रही है, थकावट हो रही है। बस स्टार्ट करते हैं, आप जाके ना जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हर नई वीडियो आप मेरी देख सको। तो बस स्टार्ट करते हैं काम करना और इस सब को ना हम साफ कर लेते हैं जल्दी से। फाइनली 2-3 घंटों की मेहनत के बाद ना घर हो गया है साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन हो गया है घर। ये देखें किचन भी हो गया है साफ। किचन गंदा हो ना तब मेरी ना तबीयत ख़राब हो जाती है, जब किचन गंदा हो, लेकिन फाइनली ना सब कुछ साफ़ हो गया है। 2-3 घंटे मैंने मेहनत किए तो साफ़ हुआ है। यहाँ पर रोटी बन रही है, बच्चों के लिए खाना बनाएंगे, अजान भी हो चुकी है, बस वो आने वाले। तो 3 घंटे मैंने पूरे लगाए हैं इस घर को सही करने में, ना 3 घंटे मेरे लग गए हैं, तब कहीं जाके ना सेटिस्फेक्शन हुई है और सुकून से ना बंदा बैठ सकता है। अब कल मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैं वापडा गई थी तो कुछ भी नहीं किया था, इस वजह से ज़्यादा गंदा पड़ा था घर। तो यहाँ पर हमारा लंच रेडी है, टिक्के भी साथ में बनाए हैं, तो खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। साथ आपसे लेंगे इजाज़त, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।